हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपने वीकेंड का स्किन केयर रूटीन, क्योंकि वीकेंड के अंदर अंदर हमारी स्किन बहुत ही डल हो जाती है, क्योंकि स्किन अच्छे से ख्याल रख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्किन केयर करेंगे अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे हेयर्स को टाई कर लेंगे, क्योंकि स्किन केयर के बार बार ऊपर ना आए फिर हेयर भी ख़राब हो जाएंगे। और सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस की क्लिंजिंग। अब क्लिंजिंग के लिए मेरे पास है टी ट्री क्लिंजर, जो ऑयली स्किन के लिए है। इसको अच्छे से फेस पे मसाज करके अपने फेस को क्लीन करके, दूसरा स्टेप जो है हमारा स्क्रब। ठीक है, स्क्रब में हम लेंगे राइस फ्लावर। ठीक है, चावल का आटा ले लेना है, उसके बीच में मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है रोज हिप सिरम। उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है, अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करना है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करना है, एक्सफोलिएट करना है। हमारे जो डॉट वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छे से मसाज करके उसको क्लीन करना है। ठीक है, हमने अपने फेस पे जो हमारे लिप्स होते हैं उनको भी स्क्रब करना है, ताकि इनकी भी सारी डर्ट निकल जाए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कॉमेडोन्स रिमूवर। हमने अपने फेस के जो कॉमेडोन्स हैं उनको रिमूव करना है अच्छे से, क्योंकि जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं ना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वो मेरे ऑयली स्किन में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि डर्ट वगैरह, डस्ट वगैरह वो चिपक जाती है, जिससे जो हमारे पोर है वो लॉक हो जाते हैं। पोर लॉक होने की वजह से कॉमेडोन्स हो जाते हैं। वो निकालने के बाद हमने पैक यूज़ किया है। पैक में हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा चावल का आटा, विटामिन सी और कर्ड। ये मिक्स करके अपने फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है। इसको अब हमने रखना है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसको रिमूव करके अपने फेस को क्लीन करना है अच्छे से। अब देखो कितनी ग्लो फेस हो गया है। अब इसके बाद अपना जो डेली रूटीन है, सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करना है। बाय बाय लवलीज़।